आई एम नीमा एंड वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद नीमा फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूं बहुत ही इंटरेस्टिंग और टेस्टी से आलू के लच्छे की रेसिपी जिसे आप बना करके स्टोर करके रख सकते हैं और जब चाहे जब तल के खा सकते हैं तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर आलू के टेस्टी से लच्छे बनाने के लिए मैंने लिए हैं दो आलू यहाँ पर आपको आलू बिल्कुल अच्छे आलू लेने हैं जो कि हार्ड होते हैं बिल्कुल एकदम पीले आलू और जो बिल्कुल लूज होते हैं वो नहीं लेने हैं तो मैंने यहाँ पर मीडियम शेप के आलू लिए हैं बिल्कुल छोटे छोटे आलू नहीं थोड़े बड़े आलू हमें लेने हैं तो आप देख सकते हैं दोनों आलूओं को मैंने यहाँ पर छील लिया है और यहाँ पर अब मैं इन्हें किसने के लिए यहाँ पर मैंने एक किसनी ली है तो हम जब इस आलू को अच्छे से किसेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि बारीक किसनी में नहीं किसना है वरना जब हम इसे बॉईल करेंगे सुखाएंगे तो ये बिल्कुल छोटे छोटे से इसके लच्छे बनेंगे तो थोड़े मोटे लच्छे हमें चाहिए तो इसलिए यहाँ पर आपको मोटी वाली किसनी का यूज़ करना है आप देख सकते हैं मैंने इतनी मोटी जो किसनी थी इस तरह के आप देखिए इस तरह के मोटे मोटे शेप में जो इसके लच्छे बन रहे हैं ऐसी किसनी का आपको यूज़ करना है तो यहाँ पर मैंने दोनों आलू को अच्छे से किस लिया है आप देख सकते हैं अब फ्रेंड्स इसकी बारी आती है वॉश करने की वॉश आपको बहुत ही अच्छे से इसको करना होगा क्योंकि अगर इसमें स्टार्च रह जाएगा तो आपके जो लच्छे बनेंगे वो काले पड़ जाएंगे तो यहाँ पर इसको आपको अच्छे से धोना है करीबन तीन से चार बार जब तक कि इसका पानी थोड़ा मटमेला सा गंदा सा हो रहा है तब तक हम इसे पानी चेंज करके धोते जाएंगे जब तक कि इसका पानी बिल्कुल वाइट नहीं हो जाए तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर पानी में डाल करके इन्हें निकाल लिया है तो मैं करीबन इसे तीन से चार बार अच्छे से वॉश करूँगी जब तक कि इसका पूरा पानी एकदम वाइट नहीं हो जाए और सारा का सारा जो ये आलू है इसका स्टार्च जो है वो नहीं निकल जाता है तो आप देख सकते हैं मैंने तीन से चार बार धो लिया है अच्छे से ये हमारे जो लच्छे हमने किसे हैं वो बिल्कुल वाइट हो गए हैं तो बस इस तरह का बिल्कुल साफ़ इनको कर लेना है तो अब मैंने यहाँ पर चढ़ा दिया है थोड़ा पानी गर्म होने के लिए पानी हमारा आप देख सकते हैं गर्म हो चुका है तो इसमें मैंने डाली है थोड़ी सी फिटकरी फिटकरी अगर आपके पास बड़ा पीस है तो आपको सिर्फ एक से दो बार इसमें राउंड घुमा देना है ज़्यादा क्वांटिटी में फिटकरी नहीं डालनी है फिटकरी डालने से जो हमारे आलू के लच्छे हैं वो बिल्कुल वाइट बनेंगे एकदम मार्केट जैसे बनेंगे तो एक बार पानी गर्म हो जाने के बाद मैंने इसमें फिटकरी घुमा दी है और इसमें मैंने डाल दिए हैं हमने जो लच्छे तैयार करके रखे थे वो आप देख सकते हैं तो इसे हमें ज़्यादा कुक नहीं करना है करीबन पाँच से सात मिनट हम इसे कुक करेंगे इससे ज़्यादा हमें इसको कुक नहीं करना है तो मैंने यहाँ पर इसमें डाल दिया है थोड़ा सा नमक अगर आप व्रत के लिए बना रहे हैं तो इस जगह आप सिंपल नमक ना डालें आप व्रत में खाने वाला सेंधा नमक है वो डालें ताकि आप इसको स्टोर करके आराम से रख पाए तो आप देख सकते हैं इसमें अच्छा सा बॉयल आ गया है तो अब मैं इसको ज़्यादा नहीं पाँच से सात मिनट के लिए कुक करूँगी बहुत ही इतना क्योंकि ज़्यादा कुक कर देने से जो हमारे ये लच्छे हमने बनाए हैं ये टूट जाएंगे अगर आप देखेंगे तो इनको हमें करीबन एटी परसेंट ही कुक करना है पूरा एकदम हंड्रेड परसेंट बिल्कुल आलू को एकदम मैश नहीं करना है आप देख सकते हैं मैं आपको यहाँ पर दबा करके दिखाती हूँ ये पक चुके हैं बस थोड़े से ये हार्ड हैं तो करीबन 80 परसेंट मैंने इसे कुक किया है बस गैस को हम यहाँ पर बंद कर देंगे और इन्हें गर्म पानी में हमें नहीं छोड़ना है अगर गर्म पानी में हम छोड़ देंगे तो ये बिल्कुल 100 परसेंट कुक होकर के बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे तो यहाँ पर मैंने इसे करीबन 80 परसेंट पर ही गैस बंद करके निकाल लिया है आप देख सकते हैं निकालने के बाद थोड़ी देर के लिए मैंने इसको रख दिया है ताकि अच्छे से ठंडे हो जाएँ ये देखिए मैं आपको दबा करके भी दिखा रही हूँ ये अच्छे से पक चुके हैं तो बस अब इसको ठंडा होने के बाद हम कपड़े पर अच्छे से फैला देंगे आप कोशिश कीजिए कि आप कपड़े पर ही फैलाएँ ताकि इसका एक्स्ट्रा जितना भी वाटर है वो कपड़ा सोख ले पन्नी पर जब हम सुखाते हैं तो इतने अच्छे से ये पानी को नहीं सोख पाता तो आप चाहें तो इसे धूप में भी सुखा सकते हैं और नहीं अगर सुखाना चाहते हैं तो आप नीचे पंखे के नीचे भी इसे सुखा सकते हैं करीबन आपको इसे पूरा एक दिन सुखाना होगा और अगर आप चाहें धूप में अच्छे से सुखाना तो करीबन दो दिन आप इसे सुखाएंगे तो इसका पूरा मॉइस्चर अच्छे से हट जाएगा और ये बिल्कुल सूख जाएंगे तो मैं करीबन इन्हें यहाँ पर पंखे के नीचे ही सुखाने वाली हूँ तो दो दिन करीब मैंने इसको सुखा लिया आप देख सकते हैं सूखने के बाद में बिल्कुल ये कितने एकदम ड्राई हो गए हैं जैसे हम आलू के चिप्स बनाते हैं पापड़ बनाते हैं बिल्कुल उस तरह के हो गए हैं और आप देख सकते हैं ये थोड़े पतले भी हो गए हैं क्योंकि जब हम इन्हें बनाते हैं जब हम इन्हें किसते हैं उस समय तो ये बहुत मोटे मोटे लगते हैं परंतु जब हम इसे बॉईल करके सुखाते हैं तो ये बिल्कुल छोटे एकदम पतले हो जाते हैं तो अब मैं आपको यहाँ पर तल के भी दिखाने वाली हूँ तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर कुकिंग ऑयल को थोड़ा गर्म कर लिया है और जैसे ही हमने इसे कढ़ाई में डाला आप देख सकते हैं कितने अच्छे बिल्कुल चिप्स की तरह एकदम से ये फूल चुके हैं और आप देख सकते हैं कितने अच्छे से वाइट कलर इसका आया है और अच्छे से क्वांटिटी में ये फूल भी चुके हैं तो ये बहुत ही अच्छे लगते हैं आप इसे बना करके स्टोर करके रख सकते हैं और कभी भी आप इसे व्रत में भी और एज ए स्नैक भी कभी भी खाना हो तो आप इसे फ्राई कर सकते हैं और अच्छे से मसाले डाल करके इसको इंजॉय कर सकते हैं तो ये देखिए मैंने यहाँ पर बिल्कुल बस डाला और एक मिनट भी पूरा नहीं लगा हमें इसको फ्राई करने में और ये एकदम से अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं अच्छे से सिक चुके हैं तो यहाँ पर मैं आपको एक बार और डाल करके दिखाती हूँ ये देखिए जैसे ही हमने इसे डाला एक बार अगर हम तेल को अच्छा सा गर्म कर लेंगे तो उसके बाद मीडियम फ्लेम पर इसे तलेंगे तो ये बहुत ही ईजिली तलने में आ जाएंगे तो ये देखिए यहाँ पर मैंने सेकेंड बैच पीस का अच्छे से फ्राई कर लिया है और इसको निकाल लेते हैं तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इस तरह से सारे लच्छों को तैयार कर लिया है फ्राई कर लिया है निकाल लेते हैं हम यहाँ पर इसे आप देख सकते हैं कितने क्रंची बने हैं एकदम बिल्कुल करारे से बने हैं मार्केट से जो हम लाते हैं व्रत में भी हम जो बना कर के मार्केट से लाते हैं बिल्कुल वैसे ही ये बने हैं तो यहाँ पर मैंने इसमें डाल दिया है थोड़ा सा नमक और ज़्यादा नमक हमें नहीं डालना है क्योंकि हमने बॉईल करते टाइम भी नमक डाला था हल्के से मैंने यहाँ पर इसमें डाल दी है मिर्ची आपको अगर नहीं खानी है मिर्च तो आप स्किप कर सकते हैं बट मैंने यहाँ थोड़े से फ्लेवर के लिए यहाँ पर रेड चिली इसमें डाली है इन सभी को हम मिक्स कर लेंगे और बस फ्रेंड्स तैयार हैं हमारे बहुत ही टेस्टी करारे से आलू के लच्छे जिसे आप कभी भी खा सकते हैं बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आते हैं जब चाहें जब आप अपने बच्चों को तल करके इसे दे सकते हैं तो फ्रेंड्स आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी पसंद आई आपके लिए हेल्पफुल रही तो फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आपको इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ हमेशा देखने को मिलती रहे साइड में जो बेल आइकन है उससे भी ज़रूर प्रेस करें क्योंकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको उसी बेल के प्रेस करने पर मिलेगा और फ्रेंड्स मुझे कमेंट करके बताना ना भूलें कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ तब तक के लिए टिल देन बाय बाय टेक केयर